अंतरिक्ष में इंसानी हसरतों को एक नया आसमान दिखाकर रूसी फिल्म क्रू जमीन पर लौट आया। रूसी एक्ट्रेस यूलिया पेरेसिल्ड और निर्देशक क्लिम सिपेंको अंतरिक्ष में 12 दिनों की ऐतिहासिक शूटिंग कर धरती पर लौट चुके हैं। इनके साथ ही अनुभवी अंतरिक्ष यात्री ओले नाविथ्स्की भी लौटे हैं, जो 191 दिन से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद थे। ये अंतरिक्ष यात्रा ऐतिहासिक इसलिए है कि पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में किसी फिल्म की शूटिंग की गई, पहली बार किसी एक्ट्रेस ने अंतरिक्ष में एक्टिंग की, पहली बार किसी डायरेक्टर ने स्पेस में डायरेक्शन किया। इस दल के स्पेस शटल ने रविवार सुबह भारतीय समय के मुताबिक 6:45 पर अंतरिक्ष स्टेशन से उड़ान भरी। करीब 3.5 घंटे बाद सुबह 11:05 पर सोयूज MS-18 अंतरिक्षयान ने कजाकिस्तान में सफल लैंडिंग की। इस रूसी फिल्म क्रू ने अंतरिक्ष में 12 दिनों का चैलेंज फिल्म की शूटिंग की। इस दौरान चैलेंज के अलग अलग सीन फिल्माए गए। ISS पर 35 से 40 मिनट लंबे एक सीक्वेंस को फिल्माया गया है। इस चैलेंजिंग शूटिंग के लिए फिल्म की टीम को अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी गई थी। ये फिल्म एक ऐसी महिला डॉक्टर की कहानी है जो एक अंतरिक्ष यात्री को बचाने के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की उड़ान भरती है, जिसे अंतरिक्ष में ही तत्काल ऑपरेशन की जरूरत है। फिल्म के इस सीन में ISS पर मौजूद कॉस्मोनॉट एंटोन साकाप्लेरोव और पियोत्र डुब्राव ने भी कैमियो रोल किए हैं। रूसी एक्ट्रेस यूलिया पेरेसिल्ड और फिल्म डायरेक्टर क्लिम सिपेंको ने अंतरिक्ष यात्री एंटोन साकाप्लेरोव के साथ 5 अक्टूबर को कजाकिस्तान के बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से इंटरनेशनल स्पेस के लिए उड़ान भरी। अंतरिक्ष में रूस की इस उड़ान और वहां फिल्म की शूटिंग ने हॉलीवुड के दिग्गज एक्टर टॉम क्रूज को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने साल 2020 में नासा और एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के साथ मिलकर एक फिल्म की अंतरिक्ष में शूटिंग की घोषणा की थी। लेकिन अमेरिकी चुनौतियों को पीछे छोड़ते हुए रूसी चैलेंज ने बाजी मार ली। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।